हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू गीतांजलिस क्लासिक कुजीन। चावल की खीर तो आप सभी ने बनाई होगी और सभी ने खाई होगी, पर क्या आपको पता है कि गाढ़ी मलाईदार और क्रीमी खीर बनाने के लिए हमें कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए। तो आज मैं सारी टिप्स कवर करूंगी जिससे आप भी बना सकते हैं बहुत ही गाढ़ी क्रीमी और मलाईदार खीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। बढ़िया सी क्रीमी और मलाईदार खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस और इसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रखा था और इसे इस तरह से मसल कर रखें। इससे चावल के थोड़े टुकड़े हो जाएंगे और ये मिक्स हो जाएंगे। आप चाहें तो मार्केट से टुकड़ा चावल भी ला सकते हैं और उसे भी इस तरह से भिगो कर रख सकते हैं, या जो बारीक वाले दाने होते हैं जिससे हम खिचड़ी बनाते हैं वो चावल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैं ले रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और बादाम। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके भी डाल सकते हैं। इलायची को इस तरह से कूट लें और इसे भी साइड में रख लें। तो ये सारी तैयारियां हमें पहले ही कर लेनी है, उसके बाद हम खीर बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खीर में इलायची की खुशबू बहुत बढ़िया आती है तो इसे ज़रूर डालें। और अब आपको लेना है एक भारी तली वाली कढ़ाई या फिर बर्तन, हैवी बॉटम पैन, और आप इसकी जगह पे कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे खीर जलेगा नहीं। और इसमें डालें करीब आधा कप पानी और इसे इस तरह से हिला लें, इससे चावल अंदर जाकर चिपकते नहीं हैं और तली में लगते नहीं हैं। और अब इसमें डालें दूध, मैंने 2 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है और ये गाय का दूध है, आप फुल फैट दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब इसे मीडियम फ्लेम पे हमें उबालना है, तो दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। अब फ्लेम को स्लो कर दें और इसे 2-3 मिनट तक इस तरह से स्टर करें। दूध को पहले अच्छे से हमें उबाल लेना है। और अगर आप टोंड मिल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आधी कटोरी मलाई भी डाल सकते हैं। और अब थोड़े से दूध को हम एक बॉल में निकाल लेंगे। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ ये मैं बाद में बताऊंगी। और इसमें अब डालें थोड़े से धागे केसर के और दूध को साइड में रखें, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और अब डाल दें दूध में भिगोया हुआ चावल जिसे हमने सोख करके पहले से रखा हुआ था, इसमें मिक्स कर लें। और चावल डालने के बाद इसमें करछी ज़रूर चला लें, ये बहुत ही ज़रूरी टिप्स है। चावल डालने के तुरंत बाद इसे इस तरह से स्टर कर लें और बिल्कुल नीचे से स्टर करें। इस वक्त फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखें और इसे इस तरह से बीच बीच में चलाते रहें, किनारों को स्क्रैप करते रहें ताकि मलाई की जो परत है वो दूध में जाकर मिक्स होता रहे। चावल अच्छे से पकने शुरू हो गए हैं और इसे बीच बीच में चलाते रहें। दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है, किनारों को इस तरह से स्क्रैप करके उसकी मलाई को दूध में मिलाते रहें। तो चावल को अच्छे से पकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चावल से जो स्टार्च निकलते हैं वो दूध की मलाई में कंबाइंड होकर एक बढ़िया क्रीमी टेक्सचर देते हैं। तो देखिए अभी दूध और चावल अलग अलग हो रहे हैं, यानी हमें अभी और कुक करने की ज़रूरत है। जब तक कि चावल से स्टार्च ना निकलने लगे और वो क्रीमी मलाई में जा कर के मिक्स ना हो जाए तब तक इसे कुक करना है। तो फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखें और इसे बढ़िया से पकने दें। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये क्रीमी होना शुरू हो गए हैं, देखिए ये कितने गाढ़े हो गए हैं।
और इसमें से बबल्स भी आने लगे हैं। यही टाइम है इसमें चीनी डालने का, तो मैं आधा कप चीनी डाल रही हूँ। मान के चलिए कि ये 4 से 5 चम्मच होंगे। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग चीनी डालें, आपको मीठा जितना पसंद है उतना ही चीनी डालें। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो थोड़ा कम कर लें। अब फ्लेम को लो टू मीडियम ही रहने दें और इसे अच्छे से मिक्स करें। और अब फ्लेवरिंग के लिए डालें इसमें इलायची पाउडर और इसे मिक्स कर लें। और अब हमें 1 से 2 मिनट इसे कुक करना है। और अब बारी है ड्राई फ्रूट्स डालने की। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, आप अपनी पसंद की ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और आप चाहें तो इसे घी में थोड़ा फ्राई करके भी डाल सकते हैं। मैं बिना फ्राई किए ही डाल रही हूँ। अब इसे मिक्स कर लें। अब देख सकते हैं दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है और काफ़ी क्रीमी भी हो गया है। दूध और चावल अच्छे से कंबाइंड हो गए हैं और बढ़िया से मिक्स हो गए और ये काफ़ी गाढ़ा और मलाईदार भी हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि चावल अच्छे से पके हैं या नहीं। तो चावल भी अच्छे से पक गए हैं। तो अब इस वक्त फ्लेम को एकदम लो कर दें और बचे हुए दूध जो हमने निकाल कर रखे थे वो लास्ट में इसे इसमें मिक्स कर दें। इसका रीज़न ये है कि जब दूध और चावल अच्छे से पक जाते हैं और उसके स्टार्च आपस में मिल जाते हैं और काफ़ी गाढ़े और मलाईदार हो जाते हैं, फिर लास्ट में दूध हम इसलिए मिक्स करते हैं ताकि कंसिस्टेंसी को हम एडजस्ट कर सकें। तो अगर आप केसर डालें या ना डालें आप पे डिपेंड करता है, पर दूध निकाल कर ज़रूर रखें और इसे लास्ट में थोड़ा सा ज़रूर डालें। अब तुरंत सर्व करना है आपको गर्मा गर्म, तो इसे 1-2 मिनट कुक होने दें। और अगर फ्रिज में रख कर खाना है तो इसे तुरंत बंद करें। तो लीजिए, तैयार है एकदम मलाईदार गाढ़ी और बहुत ही यमी खीर। और इसे गार्निश करें ड्राई फ्रूट्स और केसर के धागों से। तो अगली बार जब भी बनाना हो चावल का खीर, तो इन सारी बातों का ध्यान रखें और आप भी बना सकते हैं गाढ़ी और मलाईदार खीर। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और साथ ही अपना कमेंट भी हमारे साथ ज़रूर से शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। इस तरह की ढेरों मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें गीतांजलिस क्लासिक कुजीन को, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय।